नमस्कार, मैं हूं मोबीना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। उत्तराखंड काशीपुर में कांग्रेसियों ने फूंका अडानी का पुतला। काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा महाराणा प्रताप चौक पर गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर उद्योगपति गौतम अडानी तथा उनके सहयोगियों का पुतला दहन किया। कांग्रेस जनों ने कहा कि अमेरिकी प्रतिभूति विनिमय आयोग SEC ने अडानी पर भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। अनुबंधों से अडानी ने 1,600 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया तथा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में रिश्वत देकर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल की गई। भाजपा शासित राजस्थान और महाराष्ट्र में भी इसी तरह का पैटर्न देखा गया। आकर्षित कांग्रेसियों ने ED, CBI और आयकर विभाग पर अडानी के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संस्थाएं अडानी की जांच कर रही हैं, लेकिन भारत की जांच एजेंसियां उनके खिलाफ मौन हैं। आरोप लगाया कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर प्रधानमंत्री ने अडानी को हवाई अड्डों, बंदरगाहों, मीडिया कंपनियों और सीमेंट संयंत्रों के अधिग्रहण में मदद पहुंचाई। कांग्रेसियों ने बताया कि CEC ने अडानी पर अमेरिकी कानून FCPA और प्रतिभूति धोखाधड़ी का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कन्या के राष्ट्रपति ने भी अडानी के साथ हुए सभी अनुबंध रद्द कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अडानी की धोखाधड़ी का खुलासा होने से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी पर लगे आरोपों को संयुक्त संसदीय समिति से जांच करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, जबकि विपक्ष के नेताओं को छोटे आरोपी पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस दौरान पुतला दहन करने वालों में महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अरुण चौहान, अनीस अंसारी, मोहम्मद आरिफ सैफी, नौशाद अंसारी, इदरीस अंसारी, फिरोज हुसैन, डॉक्टर अशफाक, अनिल शर्मा, मंसूर अली आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। गौतम अडानी का पुतला फूंका गया है महानगर कांग्रेस पार्टी काशीपुर के द्वारा। हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कर्मठ नेता माननीय श्री करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में एक ऐसे व्यक्ति के साथ, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हिंदुस्तान के विकास के रास्ते पर न चलकर विनाश के रास्ते पर चलाया गया है, और इसका सीधा साधा सा जो उदाहरण है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि गौतम अडानी, अंबानी क्या कारण है इस देश को बेचने के ऊपर आमादा हुए जा रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाला, भारतवर्ष में रहने वाला एक व्यक्ति जो किसी को रिश्वत देता है, और रिश्वत लेने वाला अधिकारी भी यहाँ जेल की शराखों में तुरंत पहुँच जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, BJP की सरकार से, कि गौतम अडानी जिसने इस हिंदुस्तान के अधिकारियों को 200,000 करोड़ रुपए की रिश्वत घूस दी है, उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मैं मालूम करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि अमेरिका के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, क्या कारण है अभी तक इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है इस भाजपा सरकार से, ऐसे घिनौने आदमी को जो इस हिंदुस्तान को विनाश के रास्ते पर ले जा रहा है, इस हिंदुस्तान के अधिकारियों को बदनाम कर रहा है, इस हिंदुस्तान को बदनाम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ऐसे गौतम अडानी को और उनके साथियों को जिसने 200,000 करोड़ रुपए की रिश्वत और घूस यहाँ दी है, उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए।